किड्स मैजिक यम्मी फोटोमी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज पास्ता बॉम्ब। आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें पानी चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए। एक कप पास्ता ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी वाले। अब इसको 10 से 12 मिनट तक बॉईल होने दें। पास्ता हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर देखकर बताती हूँ। देखिए देखिए हो चुका है, आराम से टूट रहा है ये, अच्छे से हो चुका है हमारा पास्ता। अब मैं इसको छान लूंगी। यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, मैं इसको छानूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बटर डालेंगे यहाँ पर। बटर मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम मैदा ऐड करेंगे। एक चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा ऐड कर लिया है, अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए मैदा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। इसको चलाते रहें आप, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएंगे। यहाँ पे मैं चीज स्लाइस डाल रही हूँ, अगर आपके पास है चीज स्लाइस तो आप डालिए, नहीं तो आप चीज क्यूब ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं पास्ता का पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और यहाँ पर पिज्जा सीजनिंग, इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमारा पास्ता बनके एकदम रेडी है। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। पाउडर शुगर लिए है 1 चम्मच, ऑरिगेनो लिया है 1/4 टेबल स्पून, 2 चम्मच ऑयल लिया है, सबको मिक्स कर देंगे। दो बड़ी चम्मच यहां पर दही डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। हमें सॉफ्ट आटा गूंथना है। आप इसको अच्छे से नीड कर लीजिए। देखिए हमारा आटा गूंथ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ऊपर से। ऑयल डाल दिया है हमने, अब इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसको कट कर लेंगे। हम इसके लोई बनाएंगे, ऐसी हम सारी लोई बना लेंगे। देखिए 5 लोई बनी है हमारी। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, वही को रखेंगे और इसको हम बेलेंगे। देखिए इतना बेल लेंगे हम इसको। अब इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे,
जो हमने बनाई थी व्हाइट सॉस पास्ता। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपको डालना है तो डालिए। अब हम इसमें मोजरेला चीज यूज करेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। देखिए अब से देखिए हमारा एक बनके रेडी है। यहाँ पर मैंने पास्ता बॉल्स बना के रेडी कर ली है। अब हम चलते हैं बेक की प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने इडली की ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है। इसमें ही हम अपनी बॉल्स रखेंगे। यहाँ पे हमने मिल्क लिया है थोड़ा सा, इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दूध और शक्कर का पेस्ट लगाएंगे ताकि कलर बहुत अच्छा आए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने रख दिया था 10 मिनट के लिए। प्री हीट हो चुकी है हमारी कढ़ाई। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने हमारी बॉल्स रख दी है, इसको हम कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप फ्लेम को रखें। मीडियम फ्लेम पर आप 10 मिनट के लिए बेक करें और फिर उसके बाद लो फ्लेम कर दें 25 मिनट। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको देखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, चीज भी निकल रहा है अब हमारे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं हमारी बेक हो गई है चीज बॉल्स। मैं इसमें बटर लगा रही हूँ। देखिए मैंने इस पर बटर लगा दिया है, पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए। मिक्स्ड हर्ब्स डालूंगी थोड़े से। को तोड़ के दिखाऊंगी, अंदर से भी आप देखिए कितना टेस्टी और यम्मी है।